मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों की। मुमरा बाईपास पर आज एक टेम्पो पलट गया जिसमें ड्राइवर की जान बाल-बाल बच गई है। ये घटना चार मीनार के पास में हुआ है। ड्राइवर ने बताया कि स्टीयरिंग अचानक काम करना बंद कर दिया जिसके वजह से ये टेम्पो पलट गया। हालांकि ड्राइवर को किसी तरह का चोट नहीं लगा है, वो सुरक्षित है। एक बार फिर आर्य जंगल को बचाने के लिए पर्यावरण कार्यकर्ता प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे की सरकार ने उद्धव ठाकरे सरकार के आर्य की जंगलों में मेट्रो कार सेट नहीं बनाने का फैसला पलट दिया है, जिसको लेकर अब पर्यावरण प्रेमियों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है और ये अब नए सिरे से लड़ाई की तैयारी में है। डोंबिवली मानपाड़ा पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 272 किलो गांजा बरामद किया गया है। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि दो लोग गाड़ी में जा रहे हैं। पुलिस ने जब इनकी तलाशी ली तो इनके गाड़ी से 272 किलो गांजा बरामद किया गया है, जो कुल कीमत 27 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने इनके पास से गांजा बरामद कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। नाला सोपारा पुलिस ने देसी पिस्तौल के साथ एक आरोपी को पकड़ा है। नाला सोपारा फिलहाल पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर रही है कि आखिर ये हथियार वो कहां से लाया था, किसको देने के लिए लाया था, और खुलासा होने पर आगे और भी गिरफ्तारी हो सकती है। बिहार के मोतिहारी में चलती ट्रेन में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये ट्रेन रक्सौल से नरकटियागंज जा रही थी और मोतिहारी के पास पहुंचते ही इस ट्रेन के इंजन में आग लग गई। हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और ट्रेन को रोक दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।